subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज मैं वर्ग आठ के लिए हिंदी पाठ पुस्तक से सबसे पहला पाठ जो ध्वनि कविता के रूप में है, जिनके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उसे पढ़ाने जा रहा हूं। यानी आग वर्ग आठ का जो प्रथम पाठ है उसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप इसमें अध्ययन करेंगे। अब आप देखेंगे कि कवि जो कविता लिखे हैं और इन कविताओं का उद्देश्य क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि देना क्या चाहते हैं जीवन में, यानी हम मानव के जीवन में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। लोग प्राय कभी कभी हिम्मत हार देते हैं अपने जीवन में और कहते हैं यह काम हमसे कैसे होगा। लेकिन यह जो कविता ध्वनि है यह हमें एक सीख दे रही है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और पूरे उमंग और उत्साह के साथ काम करना चाहिए। अब यहां पर इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिन कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। एक शब्द आएगा आपके पास मृदुल, जिसका अर्थ होता है कोमल। दूसरा पात, यानी आप समझते होंगे पत्ता। फिर गात है, गात माने होता है शरीर। इसके बाद आप देखेंगे निद्रित, निद्रित माने क्या होता है, सोया हुआ। प्रत्युष, प्रातः काल। इसके बाद आप देखेंगे तंद्रालस, यानी क्या, निंद में अलसाया हुआ या निंद से अलसाया हुआ। लालसा, कुछ पाने की इच्छा, यानी कुछ पाने की चाह, अभिलाषा, इच्छा, जो आप कहें। ये कठिन शब्द आपको इस पाठ में मिलेंगे, जिनका मैंने अर्थ अभी बताया। अब इन कविता को पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसन, अभी न होगा मेरा अंत। अब आप देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कह रहे हैं कि ए मानव, आप कभी भी निराश न हो, आप उत्साह और उमंग के साथ अपने सकारात्मक सोच पर काम करते हुए आगे बढ़े। आपको ऐसा समझना चाहिए कि मेरे जीवन में अभी अभी तो वसंत का आगमन ही हुआ है, और जानते हैं वसंत जो है वह पूरे उत्साह और उमंग जीवन में लाते हैं। तो हमें उसी जोश से काम करना चाहिए कि हम हमारे जीवन का अभी अंत नहीं है और मैं पूरा ही उत्साह और उमंग के साथ काम करूंगा। तो हम मनुष्य को, यानी इन पंक्तियों से क्या सीख लेनी चाहिए कि जीवन में हमें ऐसा आशावादी बन करके जीना है कि अभी मेरा अंत नहीं है, अभी मैं मेरे जीवन में वसंत का आगमन ही हुआ है, ऐसा महसूस करना चाहिए हर पल, और मैं अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ काम करूंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस पंक्तियों के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहते हैं। और उसके बाद है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मधुर। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः का,
गांठ मारे आपको शरीर बता ही दिए थे, यानी ये हरे हरे पत्ते, ये कलियां, ये डालियां, जो भी है जिसे हम देख करके अति प्रसन्न होते हैं, हम अति प्रसन्न होते हैं। और उस प्रसन्नता के साथ हमें यह सोचना चाहिए कि मैं, उस प्रसन्नता के साथ हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम में अभी उत्साह और उमंग है, और हम उस पूरे उत्साह और उमंग से अपने अच्छे सोच के आधार पर अच्छे अच्छे काम करेंगे और हमें अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। यानी हमें हर पल अपने जीवन को उत्साह और उमंग से भर करके ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे वसंत के समय में आप देखते हैं पेड़ों के ऊपर कितने हरे भरे पत्ते लग जाते हैं, यानी किस तरह से दृश्य पूरा का पूरा मनोहारी दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाता है, मन को हरने वाला दृश्य। ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि हमें अभी जीवन में बहुत कुछ काम करने हैं और हमें निराश नहीं होना है, हम पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपने पूरे जोश के साथ काम करते आगे बढ़ेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन को अमृत सहस सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बार बार आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं सूर्य की किरण पड़ते ही वह कलियां खिल जाती है, पुष्प से अलसाई फूले जो है वह खिल जाती है, यानी क्या उनका पूरा का पूरा जो आलस्य है वह हट जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें अपने सकारात्मक सोच के आधार पर जितने भी दुर्गुण है उसे दूर करके हमें सचेत होकर के जल करके काम करना है और अपने नए जीवन को हमेशा अमृत से सींचते रहना है। यानी क्या कहने का तात्पर्य है कि उसको मैं हमेशा ऐसा समझूंगा कि मैं अपने जीवन में अभी पूरे उत्साह और उमंग है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अब आपको मैं फिर कुछ और तरह से भी इसके अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी अभी आप देखेंगे श्याम पट पर कि यहाँ लिखा हुआ है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसन, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए एवं अपने उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। हरे हरे ये पार्क डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंदित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कवि इन पंक्तियों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन से आलस्य को हटा करके पूरी सुंदरता के साथ काम करते रहेंगे, अपने कोमल भाव से अपने जीवन को सिंचित करते रहेंगे, यानी अपने कोमल भाव से अपने जो अलसाए हुए गुण है उसको हम हमेशा छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी आलस को दूर हटाते हुए आगे बढ़ेंगे, आलस को हमेशा अपने जीवन से दूर रखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्र आलस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सार सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद अभी न होगा मेरा। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको अंत तक यही समझिए बच्चों कि इन कविता के माध्यम से आपको हमेशा सचेत होकर के आलस्य को त्याग करके पूरे उमंग और जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी हर मानव को चाहिए कि वो अपने जीवन से निराश न हो, हमें अलसाए हुए दुर्गुणों को छोड़ करके त्याग करके हमें जीवन को हमेशा स्फूर्तियों से भरा समझना चाहिए और नए उमंग के साथ काम करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरा अंत यही है, हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि अभी मेरा अंत नहीं है, अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन ही हुआ है। इस तरह से बच्चों इस कविता के माध्यम से जो आपको मैंने बताया उसे आप पुनः और कहिएगा कि सर कविता तो किताब में भी है, आपने फिर बोर्ड पर क्यों लिखा है, तो मैं ऐसा
अनुभव कर रहा हूँ कि इस बार बहुत सारे बच्चे कभी कभी ऐसा कह बैठते हैं कि किताब नहीं है, किताब नहीं रहने का वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह पहला जो पाठ है ध्वनि कविता, इस कविता को भी लिखते हैं ताकि बच्चे को ऐसा असुविधा नहीं मिलेगा कहीं कि मेरे पास किताब नहीं है तो मैं कैसे इसको याद करूँगा। और इस तरह से आप इसको अपने स्मरण में रखने का प्रयास करेंगे, यानी इसे याद करने का प्रयास करेंगे इन कविता को, और उसका अर्थ भी मैंने बताया, शब्दार्थ भी मैंने बताया। आप इसे पुनः घर पर एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, अगले दिन मैं आपको इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपको मैं करवाऊंगा। और आज इतना ही, धन्यवाद।